ये देखिए बहुत सारी काश फूल यहाँ पे उग रही है और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाईज इस समय बहुत सारी हैं। सामने मुझे नहीं पता आपको दिख रही हैं या नहीं, मुझे तो आंखों से दिख रही हैं, कैमरे में भी आ ही रहा होगा। ये बहुत सारी ड्रैगन फ्लाईज यहाँ पे उड़ रही हैं और तितलियाँ भी उड़ रही हैं। तो इस समय दिल्ली में कई जगह जहाँ पे आपके सिटी के अंदर फॉरेस्ट बने हुए हैं दिल्ली में, तो इस समय जो अगस्त सितंबर का जो टाइम होता है तो वहाँ पर स्पेशली जिन लोगों को तितलियों में और ड्रैगन फ्लाईज में इंटरेस्ट है तो उनके लिए वॉक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप देख सकते हैं, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस समय वॉक ऑर्गेनाइज करते हैं और वो स्पेशली ड्रैगन फ्लाईज और तितलियों के ऑब्जर्वेशन के लिए किए जाते हैं ऑर्गेनाइज। अभी ये देखिए सामने उड़ रहा है ड्रैगन फ्लाई। दोस्तों ये आपके सामने जो तार पे बैठा हुआ है ये है ब्लैक विंग्ड काइट, जिसको हिंदी में कपासी चील कहते हैं। इसको कई सारे वीडियोज़ में शो किया है मैंने, आज ये बिल्कुल सामने से दिख गया तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक शॉर्ट्स बना लेती हूँ कि जनरली मोबाइल का जूम ज़्यादा नहीं होने की वजह से शॉर्ट्स बड़े कम टॉपिक्स पे बना पाती हूँ मैं। तो ये बिल्कुल सामने ऐसे इतने बढ़िया रेंज के अंदर बैठा हुआ है। ये देखिए इसके जो टेल का मूवमेंट है अप एंड डाउन, ये भी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है इसमें। अभी मैं जूम कैमरे से भी देखूँगी। आईज़ इसकी बिल्कुल लाल होती हैं, पैर पीले रंग के होते हैं, बॉडी वाइट होती है, जो ये विंग्स होते हैं ये ब्लैक या ग्रेइश ब्लैक होते हैं, इसकी वजह से इसको ब्लैक विंग्ड काइट कहते हैं। ये दोस्तों ब्लैक विंग्ड काइट फिर से मिल गई है आज, कपासी चील कहते हैं इसको। देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको सामने से, गाड़ी के अंदर से ही शूट कर रही हूँ मैं कि बाहर जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा ये उड़ जाएगी। इसके देखिए टेल का मूवमेंट कैसे अप एंड डाउन हो रहा है। टॉप प्रेडेटर है अपने फूड चेन में, फूड चेन पर मैंने वीडियो बनाया था उसमें, उस टाइम पे भी मैंने इसी को एग्जांपल लिया था एज अ टॉप प्रेडेटर, कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पेड़ पौधे हैं, उसके बाद जो हर्बीवोर्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर हैं जिसमें कि सांप भी हो सकते हैं या डायरेक्टली पक्षी भी हो सकते हैं, और उसके बाद टर्शरी या क्वार्टरनरी भी कंज्यूमर हो सकते हैं। कि इसकी आँखें बिल्कुल रेड कलर की हैं, जो आइरिस होता है आईज़ का वो रेड कलर का होता है, पैर पीले हैं, चोंच भी येलोइश कलर के ही है और इसके विंग्स ब्लैक हैं, जिसकी वजह से इसको ब्लैक विंग्ड काइट कहा जाता है। तो दोस्तों एक फूड चेन के अंदर, जैसे फूड चेन के बारे में आपको पता ही है, तो कीस्टोन स्पीशीज़ का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। कीस्टोन स्पीशीज़ वो होते हैं जो कि अपने प्रेजेंस या एब्सेंस से अपने इकोसिस्टम पर या अपने हैबिटेट पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो अगर इस ब्लैक विंग्ड काइट को या इसकी तरह जो बाकी प्रेडेटर्स हैं इनको हटा दिया जाए तो जो हर्बीवोर्स हैं, जो चूहे वगैरह हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी वो सारी फसल का नुकसान कर देंगे। तो इसको कीस्टोन स्पीशीज़ कह सकते हैं। इसके अलावा जो ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो कि खाने के प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वो भी कीस्टोन स्पीशीज़ का काम करते हैं। एनर्जी फ्लो को डायरेक्ट करने वाले जो स्पीशीज़ है, आप उड़ाइए, आप उड़ के गया है लेकिन यहीं बैठा है, पास में ही बैठा है, अभी दोबारा फोकस करती हूँ। तो एनर्जी फ्लो में जो स्पीशीज़ एक से दूसरे लेवल पर एनर्जी फ्लो के लिए काम कर रहे हैं वो भी कीस्टोन स्पीशीज़ कहलाते हैं। तो ये होता है कीस्टोन स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट, और इनके इम्पोर्टेंस को समझने के लिए इसको, इस स्पीशीज़ को अगर चेन से हटा दिया जाए तो जो इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। ये हो सकता है इसको कोई शिकार दिख रहा हो इसलिए ऐसा कर रहा है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सेंटिनल स्पीशीज़। सेंटिनल स्पीशीज़ में देखिए वो स्पीशीज़ हैं जो या तो संतरी का काम करते हैं, जैसे कि आपका ब्लैक ड्रोंगो है, जो कि बहुत सारी बर्ड्स ड्रोंगो के नेस्ट के पास अपना नेस्ट बनाती हैं, जैसे ओरियोल्स के लिए ये फेमस है। मैंने ओरियोल्स पर एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक इसमें डाल दूंगी, उसमें मैंने बताया था कि ये अपना नेस्ट ज़्यादातर ड्रोंगो के नेस्ट के पास बनाती हैं, क्योंकि ड्रोंगोज जो हैं वो दूसरे पक्षियों को, जैसे कौए हैं या चील वगैरह हैं, उनको भगा देते हैं, तो इसलिए सेफ्टी महसूस करती हैं। उसी तरह मिक्स स्पीशीज़ फ्लॉक जो होता है उसमें भी ड्रोंगो आसपास अगर बैठा होता है तो वो मिक्स स्पीशीज़ फ्लॉक वाले बर्ड्स जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको कोई अटैक नहीं करेगा, कि ड्रोंगो नज़र रख रहा है। उसी तरह से वल्चर्स होते हैं, उनको भी सेंटिनल स्पीशीज़ कहा जाता है। कहीं पर भी कोई काकस, मतलब कोई लाश पड़ी हो किसी जानवर की, तो वो उसको तुरंत एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र इतनी तेज़ होती है, उनको ऊपर से दिख जाता है कि वहाँ पे लाश पड़ी है और वो उसको खाने के लिए आ जाते हैं। तो जिस जगह पर भी वल्चर्स बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते हैं
वहां पर अंडरस्टूड है कि कोई ना कोई बॉडी होगी, तो इसलिए जो पोचर्स वगैरह होते हैं, जो मान लीजिए हाथी दांत वाले पोचर्स हैं, तो उनको तो केवल हाथी के दांत से मतलब है, बाकी शरीर का तो कुछ लेना देना है नहीं, तो वो दांत काट के निकाल लिया करते थे और बॉडी हाथी की वहीं पड़ी होती। तो हाथी की बॉडी आप सोचिए कितनी बड़ी होती है, उस पर वल्चर्स कितने सारे फीड कर सकते हैं और कितने दिनों तक फीड कर सकते हैं। तो वो इसी तरह से फॉरेस्ट वालों को पता चलता था कि यहाँ पर कोई हाथी को मारा गया है, बहुत सारे वल्चर्स बहुत दिनों से मंडरा रहे हैं, तो वो पकड़े जाते थे इस तरह से। तो इसलिए पोचर्स जो है वो वल्चर्स का भी नाश कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो है ये हमें पकड़वा देते हैं। इसी तरह और भी जानवर हैं जिनको ये मारते हैं, और उनका बॉडी का पार्ट जो भी जिस वजह से मारा है उसको चुराने के बाद उस जानवर की बॉडी को वहीं पर छोड़ देते हैं, तो वल्चर्स उसको एक्सपोज कर देते हैं, मतलब आपके कुकर्मों का पर से पर्दा हटाने का काम करते हैं। जो पोचर्स होते हैं उनके बुरे कर्मों पर से वल्चर्स पर्दा हटाते हैं, तो इसलिए पोचर्स जो है वो वल्चर्स से नफरत करते हैं और वल्चर्स को भी मारने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका सेंटिनल स्पीशीज का। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक विंग काइट के साथ एक ड्रोंगो आके बैठ गया बगल में बिल्कुल। मैं अपने दूसरे वाले कैमरे से इसके कुछ स्टिल शॉट्स ले रही थी, क्योंकि वो स्टिल शॉट्स उससे बेटर आते हैं मैंने देखा, क्योंकि उससे रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती, उसकी उसका माइक ख़राब हो गया है। जब एक बार उसका LCD टूट गया था, LCD रिपेयर होने के बाद साउंड ख़राब हो गया उसका, तो अब उससे मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, अगर करती भी हूँ तो उसमें वॉइस ओवर डालना पड़ता है, लेकिन स्टिल शॉट्स उससे बढ़िया आते हैं। तो ये मैं जैसे ही ले रही थी उसके स्टिल शॉट्स, और साथ में ये ड्रोंगो आके बैठ गया। थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, ब्लैक विंग काइट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आराम से दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, ब्लैक ड्रोंगो और ब्लैक विंग। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर काफ़ी सारा पानी आ गया है। वो स्टिल्ट्स और सैंड पाइपर्स तो शायद चले ही गए हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइग्रेटरी बर्ड्स अक्सर मूव ऑन हो जाती हैं, जैसे थोड़े समय एक दो दिन एक किसी जगह पर रहेंगी, उसके बाद वो कोई और फेवरेबल जगह उनको मिल जाती है तो वो वहाँ निकल जाती हैं। तो ये हो सकता है कि बर्ड्स यहाँ से चली गई हों आगे कहीं, लेकिन वेटलैंड्स काफ़ी अच्छे बन गए हैं, टेम्प्रेरी वेटलैंड्स ही हैं। ये देखिए एक झुंड जा रहा है बर्ड्स का यहाँ से, एक कोई झुंड यहाँ से जा रहा था, तो हो सकता है सैंड पाइपर्स हों या स्टिल्ट्स भी हो सकते हैं, वो जा रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ये यहाँ पर है पीछे कुछ बर्ड्स, हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे और ये काफ़ी दूर है, तो झुंड में तो उड़ रही थी, और मैंने अभी फ़ोन से जब मैं कैप्चर कर रही थी तो उसमें भी दिखा मुझे, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, झुंड बड़ा था तो इसलिए एक झुंड में सफ़ेद रंग प्रोमिनेंटली दिख रहा था, ये लैपविंग है, और दूसरा जो है थोड़ा ब्लैकिश सा दिख रहा था, तो सैंड पाइपर्स और स्टिल्ट हो सकते हैं, आसपास ही है लेकिन सामने नहीं दिख रहे हैं। और एक अभी जो है थोड़ा दुखी करने वाली चीज़ भी दिखी मुझे, अभी एक स्टिल्ट उड़ के गया यहाँ से, किनारे किनारे चल रहे हैं अभी सैंड पाइपर्स और स्टिल्ट, उस दिन जितने ज़्यादा थे उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर भी मैंने अभी चलते हुए देखा। यहीं पर कहीं पर है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक मरा हुआ चिक देखा अभी, ये हो सकता है कि स्वैम फैन का हो या किसका है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है। ये है, ये चीज़ें दिख जाएंगी आपको, क्योंकि जीवन है, अगर ज़िंदगी है तो मौत भी तो है ही, साथ साथ ही चलते हैं सब। आज तो लैपविंग्स के अलावा बहुत कम बाकी प्राणी दिख रहे हैं।